मैं डंके की चोट पर कहूंगी, क्योंकि मेरा भाई है प्यारा, है शानदार। अब किसी को बेइज्जती लगती है तो लगे, मेरी इज्जत करवाना मेरे शेर जैसे भाई का काम है। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया, अच्छा किया कि तुम खामोशी से हॉस्पिटल से इधर आ गए। होगी वहां अपने कजन के साथ, इसीलिए दिल लगा हुआ है ना दुरिया का। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वहां पर हाथ की हिम्मत कैसे भी सब करने की, जो देखता हूं अभी। सुन, इसी रिएक्शन की वजह से अपने कजन के साथ मजे करेगी और फिर आखिर में तुम्हारे हाथ में खुला का पेपर थमा देगी। अगर तुमने उनको मार दिया तो मेरा क्या होगा? वासे मेरा क्या होगा? मुझे किसके आस्ते पे तुम छोड़ के जाओगे? खुद तुम जेल चले जाओगे। मुझे वासे से मिलना। तुम्हें बताया तो है, जेल का माहौल ऐसा नहीं है कि तुम मिलने जाओ। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अरे भाई मुझे तो है परवाह, मेरी इज्जत हो तुम। तुम्हारी इज्जत की हिफाजत कर लूंगी मैं, अभी तो मेरे जाने का बंदोबस्त कर। आ भाई बहन, भाई के लिए मरी जा रही है और भाई को बीवी से मिलने की पड़ी हुई है। एक पैगाम भेजा उसने तुम्हारे लिए, उसने कहा है कि बाजी से कहो कि फॉरेन शॉपिंग करके मेरी बच्ची को देखने जाए। बच्ची? जी हाँ बच्ची, उसे कहो कि कुछ अकल करे, पता नहीं किसकी बच्ची है, खुद ही उसका माशिका पकड़ा है ना। अब नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? कल उससे मिलने जा रही हो, ठीक है उसको समझाओ प्लीज कि इस रिश्ते से जान छुड़ाए, अगर वापस आएगा उसकी शादी कर देंगे। अगर मेरा मतलब है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, पहले इस किस्से से तो जान छुड़ाए वो। हेलो जी फरमान साहब, कल हमारे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ में एक एक किलो मिठाई तकसीम करते हैं वासे साहब के बाप बनने की खुशी में। किसकी वजह से ये एम्प्लॉय हुआ है कानू? इमरान साहब ने बाकी लोगों के लिए कहा होगा, मालिक या मालिक की बहन पे एम्प्लॉय नहीं होता है। जो मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया प्लीज़ वो करें, थैंक यू। कहाँ जा रही हो? अपनी भतीजी के लिए शॉपिंग करने। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ, मेरी भी भतीजी हुई ना रिश्ते से। जरूरत नहीं। मेरा बस चले तो इसे खून की सजा में तुम्हें भी फांसी चढ़ा दूंगा।